जीवन रक्षक उपकरण पर कस्टम ड्यूटी की छूट, हेल्थ सेस भी नहीं लगेगा। कोरोना वायरस से जंग के बीच सरकार हर वो उपाय कर रही है जिससे इस पर लगाम लगाया जा सके। इस बीच वित्त मंत्रालय से जीवन रक्षक उपकरणों पर सीमा शुल्क की मिली छूट। कोरोना वायरस और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार का फैसला, 3 महीने की एडवांस फीस नहीं ले सकेंगे स्कूल। पंजाब में 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू, मंडी जाने के लिए जारी होंगे पास, फसल मंडी तक पहुंचने के लिए 6 नियम बनाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने की आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील, कोरोना से लड़ने में बताया अहम कदम। आरोग्य सेतु ऐप कोविड 19 के प्रसार को ट्रैक करता है और आपको सूचित करता है कि आपके आसपास का कोई व्यक्ति इससे पीड़ित है। डीआरडीओ और आईटीआई मिलकर करेंगे पोर्टल वेंटिलेटर का निर्माण, कोरोना संकट के मद्देनजर आईटीआई इसका निर्माण तेजी से कर सकता है और बेंगलुरु में इसके निर्माण की योजना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने किया आगाज, सदी की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रही है दुनिया। महामारी के चलते इस वर्ष 170 से ज्यादा देशों की प्रति व्यक्ति आय में नकारात्मक वृद्धि होने की आशंका। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी नीचे खिसके, जेफ बेजोस फिर बने नंबर 1। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब दुनिया के 21वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जेफ बेजोस अमेजन के फाउंडर हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने इस वायरस को रोकने की कसरत और तेज की। योगी ने सभी डीएम से कहा प्रतिदिन कराएं 25 नमूनों की जांच। इटली में पोप फ्रांसिस ने की डॉक्टरों व नर्सों की सराहना, बताया अग्रिम पंक्ति का संत। उल्लेखनीय है यूसी के लास्ट सपर यानी अंतिम भोज की स्मृति में पवित्र गुरुवार को पोप ये संबोधन कर रहे थे। इस कार्यक्रम में मुश्किल से 2 दर्जन लोग ही उपस्थित रहे। कोरोना की मार से पाकिस्तान विपस्त, सार्क से मांगे $3 मिलियन, पाकिस्तान का हाल हुआ बेहाल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।